चूरू के लोक कलाकार श्री शिवचंद कल्ला जी की आज द्वितीय पुण्यतिथि है और चूरू में लोक कला के क्षेत्र में इन्होंने बहुत प्रयास किए और जो पुरानी टीम थी उस टीम के एक जाने माने सदस्य के रूप में उनको जाना जाता है। आज द्वितीय पुण्यतिथि पर उनकी बेटी, उनके परिवार के जो लोग हैं, उनके द्वारा आज यहाँ ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया है और ये कार्यक्रम श्री शिवचंद कल्ला जी की जो पुत्री हैं मंजू जी और आपके द्वारा यहाँ पर एक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सेंटर चलाया जाता है, बहुत सारे लोगों से जुड़ी हुई हैं आप, तो आज का जो ये दिन है हम भी इनको बहुत पुराने समय से जानते हैं और इनकी कला के हम भी मुरीद हैं और बहुत जो है इन्होंने कला के सेक्टर में चूरू में कार्य किए। आज का दिन किस रूप में आप देखते हैं? ब्लड डोनेशन कैंप तो है ही, साथ में एक परिवार के सदस्य के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में क्या कहना चाहिए? देखिए, जो मेरे पिताजी थे वो परिवार की प्रेरणा नहीं है, पूरे चूरू जिले की प्रेरणा ही रहे हैं। संस्कार जो थे वो इनके बहुत अच्छे संस्कार थे, उनके पास लड़की हो या लड़का हो, जो भी बच्चा रहा है वो अपने संस्कारों से इतना भरपूर कर देते थे। वो समाज सेवी थे और परिवार के लिए जो कार्य उन्होंने किया है शायद हम नहीं कर पाएंगे, पूरी कोशिश करते हैं उनके संस्कारों पे चल के इस कार्यक्रम को पूरा अच्छा बनाने की और आगे उनकी कला को हमेशा याद रखा जाए। इस चूरू ज़िले के वो कलाकार के रूप में और एक समाज सेवी के रूप में उन्होंने बहुत कार्य किए थे, जैसे उनका कलेक्ट्री में काम था, ये गांव में ग्रामीण लोगों का लोन पास करना, तो वो गांव जाते और हर एक एक गरीब परिवार का घर चुनते कि इस परिवार को हकीकत में मकान की, शौचालय की, हर चीज़ की ज़रूरत है। और ग्रामीण में भी उनको इस काम में, अच्छे कार्य में अच्छी तरीके से जाना जाता है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भी आगे जो है उनकी कलाएं और उनका जो समाज सेवा का कार्यक्रम हम किस रूप में जीवित रखें। तो एक ब्लड का कैंप लगवा करके और उनकी आत्मा को शांति मिले, आगे भी वो हम अच्छा कार्य करते रहें जी। तो जी, इस तरीके से जो कार्य है वो चलता रहे और आपके द्वारा जो है ये इस तरीके के कैंप चलते रहे, तो संतान जब सफल होती है तो माता पिता को बड़ा जो है सुकून मिलता है, शांति मिलती है, तो उनकी आत्मा को शांति मिले, यही आपके द्वारा इतना सफलतम कार्य किया जा रहा है जी। तो इनकी जो बिटिया है वो भी वंदना मेघवाल, वो भी अभी लोहिया महाविद्यालय में अध्यक्षा हैं और उनके द्वारा भी बड़ी सक्रियता से समाज में एक योगदान, एक सहयोग, उनके ये मान के चलिए कि उनके जीन्स हैं, उनके उनका जो आशीर्वाद है सूक्ष्म रूप से उनको मिल रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में यही कहूँगी कि भाई देखिए, इंसान जन्म लेता है, जन्म लेके वो जिंदगी तो जीता ही है, लेकिन पापा ने हमेशा हमें यही संस्कार दिए कि एक ऐसा काम करें जिसमें समाज, पूरा जिला, सब गांव के लोग हमें याद करें। किसी इंसान को मिलता है और वो नया जीवन वो प्राप्त करेंगे तो शायद उनकी आत्मा को भी संतुष्टि मिले और उनका नाम हमेशा रोशन रहे, यही प्रयास हम लोग मिलकर जी, जी, जी। तो आपके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जो है आज के ब्लड बैंक में यहाँ उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, ब्लड बैंक में अपना सहयोग दिया जा रहा है। राजकुमार जी मेघवाल भी हमारे साथ हैं। राजकुमार जी जो हैं वो वैसे आकाशवाणी में हैं और इनके दामाद हैं शिवचंद जी कल्ला के, क्या कहेंगे राजकुमार जी आप अपने विचारों? मेरे ससुर जी माननीय स्वर्गीय शिवचंद जी कल्ला एक महान विभूति थे और लोक कलाकार भी थे, जिला परिषद में UTC के पद से वो रिटायर्ड हुए थे, तो उनकी सेवाओं को इस चूरू ज़िले में बुलाया नहीं जा सकता। आकाशवाणी में भी बहुत से गाने उनके परिवार, उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड किए गए हैं और उन्होंने अपने सेवाकाल में जिला परिषद में रहते हुए अनेक लोगों की सहायता की। उनका मुख्य कार्य
चयनित परिवारों को जैसे लोन पास करवाना, तो उसमें वो जो भी उनके पास गरीब भाई बहन आती तो उनकी वो पूर्णतः सहायता करती। और आज का जो ये रक्तदान शिविर लगाया गया है तो ये उनकी द्वितीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में लगाया गया है। तो बहुत से नौजवानों ने, लड़कियों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। वो रक्तदान है वो महादान है, और इस प्रकार के शिविर है वो उनकी प्रत्येक पुण्यतिथि पे आयोजित होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। केश जी कल्ला हमारे साथ हैं, उन्हीं के बड़े भाई के सुपुत्र हैं और पुत्र के रूप में इन्होंने यहाँ पर अपना जो है उनके साथ शिक्षा प्राप्त की और श्री शिवचंद जी कल्ला के पास आप रहे लगातार। क्या कहेंगे अपने दो शब्दों में आप उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनकी एक प्रेरणा के बारे में? मैं मेरे स्वर्गीय चाचा जी कल्ला जी के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब से मैं छोटा था 9th क्लास में यहाँ पर उनके पास में आखिरी में पढ़ा हूँ और ये तक 2002 तक मैं उनके पास में रहा हूँ। उनके आचरण विचार ये सब देख करके और उसके अंदर जो मैंने अच्छाइयाँ ग्रहण की, और वो कला प्रेमी थे, सांस्कृतिक क्षेत्र में अच्छा उनका चूरू के अंदर बहुत योगदान है। और मेरे गाँव की अगर बात करूँ तो गाँव के अंदर विकास कार्यों में उन्होंने जिला परिषद में रहते हुए काफ़ी कार्य करवाए हैं। कुंड निर्माण है, इंदिरा आवास योजना है, इसमें गांव नहीं बल्कि पूरे ज़िले को अच्छा योगदान दिया है निर्माण कार्य करवाने में, और पूरा ज़िला है उनको कला जी के नाम से जानता है। और उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा, सरल स्वभाव के थे, हसमुख थे, और कला के क्षेत्र में काफ़ी उनका योगदान रहा है, जो आज हम लोग उनकी यादगार में ये ब्लड कैंप लगा करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। विनोद जी ओझा हमारे साथ हैं, आप जो कला के क्षेत्र में उनके द्वारा कार्य किए गए उसमें आप जो है उनके प्रत्येक दर्शी रहे हैं, उनके साथी रहे हैं और उनसे जो है एक रूबरू आप रहे, क्या मानते हैं कला में जो उन्होंने यहाँ पर कार्य किए किस प्रकार के रोल वो किया करते थे, लोग उनको बड़ा चाहते थे, किस प्रकार का कार्य होता था? ऐसा है कि मैं रंगमंच से 5 वर्ष की आयु में ही मैं जुड़ गया था, और मेरे पिताजी स्वर्गीय हरिप्रसाद जी ओझा वो भी रंगमंच के लोकप्रिय कलाकार चूरू जनपद के रहे। उनके सामीप्य में शिवचंद जी कल्ला जब अध्ययन के लिए चूरू आए थे, लोहिया कॉलेज में उन्होंने प्रवेश लिया था, और पिताजी से उनका जो कला की वजह से जुड़ा हुआ, तो शिवचंद जी एक विशेष प्रतिभा अपने क्षेत्र की कला में गायन, नृत्य और अभिनय, ये तीनों एक साथ किसी एक कलाकार में मिलना आपको संभवतया नज़र नहीं आएगा, लेकिन कल्ला जी में यह विशेषता थी। तीनों चीज़ें उनके अभिनय में 4 चांद लगाते थे कि वो नृत्य भी कर लेते थे, गायन भी गा लेते थे, और जीवंत अभिनय, कैसा भी अभिनय हो, जेंट्स हो, लेडीज हो, लेडीज के तो महारथी थे, लेडीज अभिनय के तो महारथी थे। एक चूरू का बहुत ही लोकप्रिय ड्रामा रहा है रामू चन्ना। तो रामू चन्ना में उन्होंने चंदना का अभिनय और ऋषालु राजा चंदना के पति उनका अभिनय भी एक ड्रामे में उन्होंने किया था, और भरत का अभिनय, क्या बात है, ऐसा अभिनय कि तमाम दर्शक की आंखों में आंसू थे। मैं बच्चा था, मैंने भी उनका अभिनय देखा, वो अमिट छाप आज भी मेरे दिमाग पे। बहुत बढ़िया। तो देखिए अपने अनुभव शेयर किए हैं ओझा जी ने हमारे साथ। राम सिंह जी बीका हैं, आप गायन भी अच्छा करते हैं, और उनके साथ जो है कल्ला जी का के साथ इनका पुराना एक सहयोग रहा है, एक साथी का भाव रहा है, क्या कहेंगे बीका साहब आप उनके बारे में? आप एडिशनल SP रहे हैं और अपने जीवन काल में आपने उनकी कला बहुत देखी है, क्या कहेंगे? शिवचंद जी कल्ला वैसे तो मेरे एक छोटे भाई की तरह से थे, वो बहुत ज़्यादा स्नेह, वो कला के मामले में आता है तो वो स्टेज कलाकार थे जी, और मैंने 7 फिल्मों में भी काम किया। वो मेरे से पूछते थे कि साहब ये बिकार, बिदावतर, बड़ी रोहतर, राठौड़, शेखावत, ये कैसे कैसे होते हैं, किसे होते हैं? तो वो एक दुआ बोलते थे, मगर ये बात वहाँ अटक जाती है, ये वहाँ अटक जाती है, इसलिए
इनके उनके बारे में मैं बताता था कि भाई ये इनके सगा प्रसंगी है, इस वजह से उसके साथ नहीं जुड़ सकते, जिज्ञासु रहते थे, पूछते थे, तो मैं उनको ऐसे बताता था। तो एक रोज उन्होंने बोला, पूछने लगे कि साहब ये छैल भंवर हो कहाँ किसी पनिया ले गिरे रहे। तो साहब मैं छैल भंवर का इस तरीके, मैंने बताया मुझको ये छैल भंवर भंवर कंवर ये उपाधि है, जैसे जिसके पिताजी नहीं है वो है तो उसको ठाकुर साहब कहेंगे, और उसके पिताजी है उसको कंवर साहब कहेंगे। तो अगर कंवर साहब खैर उसको ठाकुर साहब कह दिया तो उसको चिढ़ लगती है कि हमारे पिताजी को मार दिया तूने। तो इस तरीके से जिसके पिताजी होते हैं उसको कंवर साहब बोलते हैं, जिसके दादाजी होते हैं उसको भंवर साहब बोलते हैं, और जिनके परदादा साहब होते हैं उसको छैल भंवर बोलते हैं, और जिनके परदादा साहब के भी एक वो पिताजी होते हैं उनको वो बोलते हैं कंवर भंवर, टावर भंवर बोलते हैं उनको। तो टावर भंवर तक पांच पीढ़ियां तक तो कोई जिए नहीं जिए इस तरीके से। और इसके अलावा मेरे को उन्होंने कहा कि विकास साहब मंजू ने तो ऐसा काम कर दिया साहब, कैसे हो, क्या हो गया ऐसे, अरे साहब यहाँ पे वो सेरा जिम का ये खोल दिया, अरे खोल दिया तो मुझको लोग तरसते हैं कि साहब लड़का नहीं हो, मैं कहता हूँ तुम्हारी तो लड़की लड़कों से भी आगे है। मैं तो कहता हूँ भगवान सबको मंजू जैसी लड़की दे। अब उन्होंने पूरा जो सराजिम का मामला है इसके अंदर सबको फरी, कोई चार्ज नहीं किसी का। अरे ओह भाग्य है मेरे को हमारे चूरू के जो ऐसे ऐसे हमारे जो कलाजी की लड़की है मंजू, तो वो फ्री में जाते हैं सब लोग, और ज्यादा जिनके पास पैसे होते हैं लोग तो केसीसी के अंदर लोन ले करके वो मशीन ले गए, इसे फायदा होता है ना, फायदा होता है इनको जो प्रतिशत कोई मिलता होगा, लेकिन हमारे चूरू के लिए तो लाभ लाभ की बात है, सौभाग्य की बात है, अच्छा है। ठीक है, कभी मेरे को उसका कला जागृति संस्था का अध्यक्ष बना दिया उन्होंने, ये लड़कों ने कहा साहब आप ही बनो, वो ठीक है। तो एक रोज वो मुकेश नाइट और रफी नाइट की तैयारी कर रहे थे, तो एक तो आपके वो ये है ना खिच्ची सुशांत सिंह खिच्ची, ये दोनों आए, दोनों आकर के बोले साहब किस तरह बातचीत करके, फिर वो जाने लग गए, गए तब हमने मुझे चलो रिहर्सल कर, तो मैंने वो एक वो गाना है मुकेश का वो गाया, दो लाइन बोल के बताओ उसको मैंने बोला, दिल से तुझको वे दिली है, मुझको है दिल का गरूर, तू ये माने के न माने लोग मानेंगे जरूर, ये मेरा दीवानापन है। ऐसे बोला, इतने में वापस आए, अरे मैं कुछ सामान भूल गए, क्या हुआ? क्या साहब सामान नहीं भूल गए, आपके गाने ने हमको बुला लिया, लेकिन वो नाड़ ऐसे ऐसे लाके हमारे शिवचंद जी कल्ला बोलते सर, जैसे कोई छोटा बच्चा कहे ना साहब ये पूरा गाना वापस सुनाओ सूरज से, मैंने वापस सुनाया, लेते थे अच्छी तरह से, कोई भी बात होती आए सुने तो कहना है, मतलब उनको याद करते हैं तो बड़ी ही आत्मा के अंदर ऐसे दुख तो होता है, क्या करें, इनको देखें तो भी आत्मा में दुखी तो होता है, क्या करें। बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर आए हैं जिनमें वकील साहब हमारे साथ हैं कल्ला जी, और वकील साहब से हम जानना चाहेंगे कि आप अगर शिवचंद जी कल्ला का नाम आता है तो आपके जहन में क्या एक उनके व्यक्तित्व की छवि उभरती है, क्या कहना चाहेंगे? शिवचंद जी कल्ला बहुत बड़े समाज सेवी कलाकार और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष आदि नहीं रखा, और सभी के प्रति भाईचारा प्रेम और सद्भावना का संदेश हमेशा उन्होंने दिया। बहुत बढ़िया। ओम डायनामाइट के नाम से हमारे ओम प्रकाश हैं एडवोकेट। ओम प्रकाश, क्या कहना चाहोगे अगर कल्ला जी का नाम आपके जहन में आता है? जी, मैं वो सौभाग्यशाली इंसान हूँ जिसका बचपन शिवचंद जी की गोद में बीता है, और इनकी बेटियां मेरी बहनों के साथ में पढ़ी, तो जब शिवचंद जी का नाम आता है तो पिता ना होते हुए भी पिता का सा भाव इनके प्रति आता है, और जब एक चूरू के नागरिक की तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसे मल्टी टैलेंटेड
मल्टीटास्किंग वाले लोग बहुत कम मिलते हैं जो एक तरफ नाट्य कला में भी माहिर हैं और लोगों के साथ उनका जो सामाजिक मेलजोल है निश्चित रूप से आज तक एक मिसाल बना हुआ है और उनकी जो दोहिती है वो आज तक सामाजिक सरोकार के रूप में उनकी परंपराओं को निभाती जा रही है। पूरा परिवार साधुवाद का बधाई का पात्र है जो सेरा जेम, छात्र राजनीति और भी स्वैच्छिक रक्तदान शिविर जैसे माध्यमों से शिवचंद जी द्वारा डाली गई उन रास्तों को और ज़्यादा प्रशस्त किए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो वंदना का जैसे जिक्र किया, यहाँ छात्र संघ अध्यक्ष हैं और वंदना से मैं जानना चाहूँगा, वंदना आपने नाना जी का जब नाम आता है तो और जाना जाता है कि आप कला के क्षेत्र में बहुत बढ़िया चूरू में नाम रखते थे, तो क्या भाव पैदा होते हैं और आगामी अगर आपने जीवन में आप कुछ अपनाना चाहें तो उनसे क्या आप प्रेरणा लेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि आज नाना जी की दूसरी पुण्यतिथि पे हमने रक्तदान शिविर इसीलिए लगाया कि सबसे पहले तो लोगों को एक अच्छा मैसेज जाए कि हम अपने परिवार के लोग जो चले जाते हैं दुनिया से, दुनिया को छोड़ के, हम उन्हें किस तरीके से याद कर सकते हैं और लोगों को किस तरीके से हम उनकी याद दिला सकते हैं। वो लोक कलाकार थे, किसी टाइम सब उनके फ्रेंड्स से, जब उनके दोस्तों से सबसे हम मिले तब बताया गया कि उनके नाम से हजारों की संख्या उपस्थित हो जाती थी। तो मैं चाहूँगी कि मैं उनके संस्कारों पे जो वो नाम जैसे चूरू में रोशन करते थे, मेरी यही एक इच्छा रहेगी कि जिस प्रकार उन्होंने अपना पूरा नाम किया, मैं भी उनके उनके संस्कारों पे चलूं और उनका नाम चूरू में रोशन करते रहा जी। तो ये जो है प्रेरणा नई जनरेशन ले ले तो परिवार का नाम जो है वो आगे बढ़ता है। अजय जी दादीच, सनोब माधव प्रसाद शर्मा, अजय दादीच, सनोब श्री रामचंद्र जी पटेल, श्रीमती विजयलक्ष्मी नेहरा, पुत्री श्री विजय सिंह जी नेहरा, श्री कृष्ण कुमार सन ऑफ श्री राम प्रताप जी कृष्ण कुमार, सन ऑफ श्री परतुराम जी लूणा, श्रीमती विजयलक्ष्मी नेहरा, ब्लड बैंक जो है यहाँ पर ब्लड डोनेशन किया जा रहा है, किस प्रकार क्या प्रक्रिया है और ब्लड देने की क्या प्रक्रिया होती है आम तौर पर, उसके बारे में बात करेंगे। सुरजीत जी हमारे साथ हैं, आप एसएमएस जयपुर में भी विराजते हैं और ब्लड के बारे में और ये पूरा जो व्यवस्था है ये भी देखते हैं, तो क्या व्यवस्था रहती है सुरजीत जी? और आज जो है सर्टिफिकेट भी वितरण किया जा रहा है और ये सर्टिफिकेट जो है श्री शिवचंद जी कल्ला के सानिध्य में सुरजीत जी कोटवाल के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप आरजे ब्लड हेल्पलाइन के, तो यहाँ क्या व्यवस्था रहती है, कैसे व्यक्ति आते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है और अब तक कितने जो है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? देखिए, आज शिवचंद कल्ला जी की पुण्यतिथि पर जो दिव्य पुण्यतिथि पर जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, पिछले साल भी हमने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, उसके अंदर 82 यूनिट टोटल डोनेट हुआ था और हमारी जो संस्था है आरजे ब्लड हेल्पलाइन उसका आज तकरीबन ये 600वां कैंप है। अच्छा, अभी तक हम पूरे राजस्थान के अलावा हिंदुस्तान के 619 जिलों में आज हमारी टीमें हैं जो ब्लड डोनेशन पर काम कर रही हैं। ज़रूरतमंद को हम लोग रक्त मुहैया करवाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और लोगों को रक्तदान के लिए मोटिवेट करते हैं। आज चूरू में जो ये कैंप हो रहा है अभी तक तकरीबन 35-36 यूनिट डोनेट हो चुका है। जो स्वस्थ रक्तदाता जो आते हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, जिनका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम है और जिनका वजन 50 किलो से ऊपर है और जिनको कोई बीमारी नहीं हो, वो लोग आकर अपना यहाँ पे रक्तदान कर सकते हैं। आज हमारे माता शक्ति ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, युवाओं ने भी हिस्सा लिया है और मैं ये कहना चाहूँगा कि
हर स्वस्थ व्यक्ति को 3 महीने में रक्तदान करना चाहिए। 1 यूनिट रक्तदान से 4 लोगों का जीवन बचता है और इस रक्तदान करने से अपने शरीर की जितनी भी जो जांचें होती हैं उन जांचों में हमें हमारी जो बीमारी होती है उसका पता चल जाता है। अगर कोई किसी तरह की कोई बीमारी निकल के आती है तो संबंधित जो ब्लड बैंक है वो संबंधित व्यक्ति को सूचना करता है कि आपके अंदर ये बीमारी है, तो आप टाइमली उसका इलाज भी करा पाते हैं। जी सही बात। और आज मैंने भी अपना रक्तदान किया है, मैंने मेरी ज़िंदगी का 31वां रक्तदान आज यहाँ पर किया है। और अभी आने वाली 17 और 18 जनवरी को हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी करवा रहे हैं रक्तदान के ऊपर बीकानेर के अंदर। बहुत बढ़िया। तो देखिए गोठवाल जी ने बता ही दिया आपको, और ये पूरी टीम यहाँ से शुरुआत होती है, रजिस्ट्रेशन होता है और फिर उसके बाद में अंदर जाया जाता है। तो चूरू की ब्लड बैंक की टीम बहुत शानदार कार्य करती है। हर बार ब्लड बैंक में यहाँ पर पूरी ब्लड की व्यवस्था रहती है और लोग आते हैं, उनको निःशुल्क जो है वो रक्त यहाँ पर मिलता ही है। बाकी चूरू के लोग जो है हमेशा जागरूक रहते हैं, इस प्रकार के कैंप होते रहते हैं। अंदर हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे प्रक्रिया। ब्लड बैंक में हम यहाँ खड़े हैं जहाँ पर ब्लड दिया जा रहा है, और मातृशक्ति ने भी यहाँ पर बहुत ब्लड दिया है और जो युवा है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ ये ब्लड देने की पूरी प्रक्रिया रहती है, और एक किट होता है जिसमें कितने ml ब्लड होता है? 450 ml। जी 450 ml जो ब्लड है, और उसका वजन के लिए यहाँ मशीन लगी हुई है, उस मशीन में बीप की आवाज आ जाती है और उससे पता चल जाता है इतना ब्लड आ चुका है। और जो टीम है वो फिर सक्रिय रूप से ये ब्लड जो है पिन यहाँ से निकाल देती है, और आराम से जो भी ब्लड देता है बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग सैकड़ों बार जो है ब्लड दिलवाते हैं और खुद भी जो है ब्लड देते हैं, तो ऐसा सुकून सा मिलता है कि हमारे शरीर से जैसे व्याधियां सी निकल गई हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये सुकून आपको भी मिले, रक्तदान हमेशा करना चाहिए। जैसे सुरजीत जी ने कहा कि रक्तदान महादान होता है और एक व्यक्ति को जीवन दान देने वाला होता है, तो आज शिवचंद जी कल्ला की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ रक्तदान शिविर रखा गया और सभी से उनका परिचय लिया गया, बात की गई। बड़ा अच्छा लगा जब हमारे बीच के व्यक्ति हमारे बीच नहीं होते हैं और उनके बारे में लोगों के विचार आते हैं, तो एक ऐसा लगता है जैसे वो व्यक्ति हमारे बीच में ही है, सूक्ष्म रूप में हमारे बीच में है, बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो अब मेरे साथी मनोज के साथ मैं डॉक्टर मनोज शर्मा त्रिनेत्र टीवी के लिए लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।